नमस्कार बच्चों, आज के इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, अब हमारी यूनिट टेस्ट नज़दीक आ रही है और आपको बहुत सारे सवाल अब सता रहे होंगे कि ये परीक्षा किस तरह से होगी, हमें किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो इस बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए ये तासिका हम ले रहे हैं। पहले तो इस तासिका में हम आपका जो यूनिट टेस्ट का पोर्शन है उसका थोड़ा रिवीजन करने जा रहे हैं। उस रिवीजन के हर पार्ट के अंत में हम क्या करेंगे, आपको उस पार्ट पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं या फिर कितने सारे नोट्स आपको दिए गए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के इस तासिका को। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा था कि ये जो एक कहानी थी जिस कहानी में एक राजा था जिसका नाम था मंगलसेन और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था जगतराम। ये जगतराम अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दिन वे राजा मंगलसेन के पास पहुँचे। जब वे राजा मंगलसेन के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं आगे से आपका ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं सेवा मुक्त होना चाहता। लेकिन जगतराम एक परोपकारी, एक सेवाभावी ऐसे मंत्री थे, बहुत अच्छी तरह से काम करते थे और इसीलिए राजा मंगलसेन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। राजा मंगलसेन ने कहा कि आप क्या कीजिए, पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी मैं आपको सेवामुक्त कर दूंगा। जगतराम ने सोच लिया कि अब मैं ऐसे ही एक इंसान को ढूंढ लूँगा जो मंत्री पद के लिए उचित होगा। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के लिए नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जगतराम जी ने आदेश दे दिया कि ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि अगले गुरुवार को मंत्री पद के लिए चयन किया जाएगा। चयन करना मतलब चुनाव करना। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे और जो भी इच्छुक लोग हैं जिनको इस मंत्री पद में इच्छा है करने की काम, वो 11 बजे तक राज दरबार में पहुंच जाए। हरकारे गांव-गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब जो ढिंडोरा पीटने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है हरकारे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। क्या हुआ, चयन वाला दिन कौन सा था, तो गुरुवार था। उस दिन जो रास्ता राज दरबार की ओर जाता था उस दरबार पर नवयुवकों की भीड़ लग गई क्योंकि सारे के सारे मंत्री पद जो खाली था उस जगह के लिए काम करने के लिए इच्छुक थे और सारे राज दरबार जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था मतलब निराश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया अटक गया। उस रास्ते से बहुत सारे युवक दरबार की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर मंत्री का जो पद था उसके लिए सबको बुलाया गया था कि जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा उन्हें वो नौकरी वहाँ पर मिल जाएगी, तो लोग वहाँ जाने के लिए सब लोग भाग रहे थे। बहुत सारे युवकों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जिसकी बैलगाड़ी का पहिया अटका हुआ है गड्ढे में, कीचड़ में। वो बहुत कोशिश कर रहा है बूढ़ा आदमी वहाँ ऊपर पहिया बाहर निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन एक भी युवक ने उस तरफ नहीं देखा, सब दरबार की तरफ भागने लगे। उसी समय वहाँ से कौन जा रहा था, अपना कर्मवीर जा रहा था। तो कर्मवीर ने देखा कि बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसका पहिया कीचड़ में अटका हुआ है। तो उसने क्या किया, और किसी बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उस आदमी को मदद करनी है, यही उसके दिमाग में आया। उसने क्या किया, अपनी सारी शक्ति लगाकर वह
वह पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। वह कोशिश करते समय उसका पूरा शरीर, उसके कपड़े कीचड़ से खराब हो गए, लेकिन उसने उस बारे में नहीं सोचा। जब उसका पहिया बाहर निकल आया तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, उसे कुछ पैसे देने चाहिए, कुछ रुपए देने चाहिए, लेकिन कर्मवीर ने वो पैसे नहीं लिए और वो दरबार की तरफ चला गया। लेकिन जब वो दरबार की में पहुंचा तो वहां पर लोग उसे देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, कीचड़ से भरे हुए थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर मंत्री जगतराम भी आ गए, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी का भेष लिया हुआ था। कर्मवीर ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत चौंक गया कि अरे ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जगतराम जी ने बता दिया कि मैंने इस तरह से मेरे बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में सना हुआ था, बहुत सारे युवक जो आज यहाँ पर दरबार में मौजूद हैं वो भी वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ये जो युवक है जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं उसी ने आकर सारा बाकी किसी बारे में न सोचते हुए मुझे मदद की, मतलब एक बूढ़े आदमी को मदद की। तो मुझे लगता है कि मंत्री पद के लिए यही एक सही उम्मीदवार है। और उसी तरह राजा मंगल सेन को भी ये निश्चित कर लिया उन्होंने कि हाँ यही मेरे लिए सही उम्मीदवार है जो मेरा आगे से मंत्री बनेगा। और उन्होंने घोषणा की कि आगे आज से कर्मवीर ही हमारे मंत्री है। तो बच्चों ये कहानी आपने देखी, और इस कहानी में क्या हुआ, जिस तरह से तीन पात्र हैं, तीन कैरेक्टर हैं इसमें, एक है राजा मंगल सेन, दूसरा है कर्मवीर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, और दूसरा ये है जगत राम जी, और उसके बाद राजा मंगल सेन। राजा मंगल सेन कौन से है, ये है राजा मंगल सेन, और ये है जगत राम जो बूढ़े आदमी का भेष लिया हुआ है, जो वापस आया और उसने क्या किया, महाराज को बता दिया कि इस तरह से मैंने परीक्षा ली और जिसमें कर्मवीर अच्छी तरह से सफल हो गए। तो इसी तरह से हमें, अगर हम सच्चे मन से कोई भी काम करें तो उसका अच्छा फल हमें हमेशा मिलता है, ये सीख हमें इस कहानी से मिली। और इस तरह से योग्य चुनाव हुआ, चुनाव मतलब ही चयन करना, मतलब किसी चीज़ को चुनना। इस तरह क्या हुआ, मंत्री जगत राम ने एक अच्छे मंत्री का चयन किया, चुनाव किया, ये हमने इस पाठ में देखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपने अब तक इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब देखे हैं वो देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि योग्य चुनाव इस पाठ में जो शब्दार्थ है, पहला है कि सेवा मुक्त करना, मतलब नौकरी से छुटकारा देना। दूसरा शब्द हमने देखा विनंती, विनंती का मतलब है प्रार्थना। तीसरा शब्द हमने देखा सेवाभावी, सेवाभावी का मतलब है सेवा की भावना वाला। उसके बाद वाला शब्द है परोपकारी, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई करने वाला। इसके बाद का जो शब्द है वो है हरकारे, मतलब दूत, डाकिया, मतलब जो एक संदेश दूसरी जगह पर पहुंचाता है। आगे का शब्द है ढिंडोरा, ढिंडोरा मतलब मुनादी, टुक्की, मतलब गांव-गांव में कोई संदेश अगर पहुंचाना है तो डुग्गी हाथ में लेके, एक ढोल वगैरह लेके एक आदमी को रखा जाता है कि जो ये ढिंडोरा पीटने का काम करता है, जो एक जगह पे खड़ा रह के ढिंडोरा पीटता है और जो संदेश होता है, जब लोग जमा हो जाते हैं तो संदेश उनको सुना देता है। उसके बाद का शब्द है वृद्ध, उसका मतलब है बूढ़ा आदमी, कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी, उम्मीदवार, चुनाव के लिए आए हुए युवक, चिंता मतलब फिक्र, विनम्रता से मतलब नम्रता पूर्वक, कीचड़ से सने मतलब कीचड़ लगे हुए, स्वयं, स्वयं का अर्थ है खुद, गुण, गुण का मतलब है विशेषताएं या फिर खूबियां, सुयोग्य, सुयोग्य मतलब लायक, और उसके बाद का शब्द है न्याय, न्याय मतलब इंसाफ। बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो इस जो सवाल जवाब आपने
आज तक अपने नोटबुक में लिखे ही होंगे मेरे ख्याल से। आपको बोला गया था कि जो भी आपको सवाल जवाब देते हैं वो सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये भी आपने लिखे ही होंगे। एक बार हम उसका रिविजन करते हैं। प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों देखिए, आपको ऊपर कोष्टक दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है और जिसमें चार शब्द लिखे हुए हैं, दरबार, कर्मवीर, सेवामुक्त, कीचड़। इसमें से जो उचित शब्द होगा वो आप रिक्त स्थान पर लिखोगे। पहला शब्द है, पहला वाक्य है, जगत राम ने राजा से स्वयं को डैश करने के लिए करने की विनती की। अब यहाँ पर सही जवाब है सेवामुक्त करने की विनती की। दूसरा है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो नया मंत्री कौन होने वाला था? कर्मवीर। तीसरा वाक्य है, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश में फंस गया था। किसमें फंस गया था पहिया? कीचड़ में। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर है, जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। आगे का प्रश्न है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? उसका उत्तर है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? उत्तर, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम था। चौथा प्रश्न है, राजा मंगल सेन कैसा मंत्री चाहते थे? उसका उत्तर है, राजा मंगल सेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। यही तीनों गुण हमने देखे कि कर्मवीर में भी थे और इसीलिए कर्मवीर को नया मंत्री घोषित किया गया था। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? प्रश्न पहला है, उसमें आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य राजा मंगल सेन ने मंत्री जगतराम से कहा। दूसरा वाक्य है, महाराज कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से कहा था। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आपकी परीक्षा में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसके नीचे उसके ऑप्शंस दिए होंगे उत्तरों के। आपको क्या करना है? सही उत्तर को चुनना होगा। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। इसलिए ये बड़े जो सवाल के उत्तर होते हैं ना, जैसे ब्रीफ आंसर, आपको नहीं लिखने हैं। सिर्फ आपको वो पढ़ के रखने हैं, क्योंकि उसमें से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? योग्य चुनाव इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। आगे का प्रश्न है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, फिक्र, सहायता, चुनाव, वृद्ध, नेक, खुश। इसमें से जो सही जवाब होगा वो आपको, जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको जवाब दिए हुए हैं। पहला है बूढ़ा, उसका समानार्थी शब्द है वृद्ध। दूसरा है ईमानदार, उसका समानार्थी शब्द है नेक। चिंता,
इसका उत्तर है फिक्र, चयन, चुनाव, प्रसन्न, खुश, मदद, सहायता। देखो बच्चों, आपके परीक्षा में मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि आपको कोई भी उत्तर लिखना नहीं है, तो आपको प्रश्न दिया होगा, उसके नीचे उसके दो या तीन ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही जवाब आपको चुनना है। अब यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है, आपको जिस तरह से आगे इंस्ट्रक्शन मिलेगी उस हिसाब से आपको उस आंसर को चुनना है, मार्क करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक प्रश्न पूछा है, राजा का नाम क्या था। अब यहाँ पर आपको तीन नाम दिए हुए हैं, पहला है जगत राम, उसके बाद कर्मवीर और तीसरा है मंगलसेन। अब मुझे बताइए जगत राम कौन था, तो जगत राम था मंत्री। उसके बाद कर्मवीर वो एक युवक था जो मंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने आया था या उम्मीदवार था। और तीसरा है मंगलसेन, और मंगलसेन ही कौन था, राजा। इसलिए यहाँ पर सही जवाब है मंगलसेन, और आप उसे टिक करोगे। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपको जो भी मार्किंग करना है उसके इंस्ट्रक्शंस आपको बाद में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्क करना है। आगे का एक सवाल देखिए, कर्मवीर एक प्रतिभाशाली युवक था। यहाँ पर सही या गलत आपको चुनना है। अब यहाँ पर कर्मवीर युवक प्रतिभाशाली युवक था या नहीं, तो हमने देखा है कि वह एक प्रतिभाशाली युवक था, तो यहाँ पर हम सही है, ये विधान, ये वाक्य सही है, और इसलिए हम सही को ही टिक करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से आपको जवाब चुनना है। आपको जितने भी नोट्स मिले हैं अभी तक, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, आपको रिटर्न वर्क दिया हुआ है, या फिर जो आपका वीडियो है उसके अंत में भी आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे, वो सारे आपको अपने नोटबुक में लिख के उसे पढ़ना है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये जो बहुत बड़ा एक डाउट था कि कैसे पेपर होगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो कम हो गया होगा, आपकी चिंता थोड़ी कम हो गई होगी। तो इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना पेपर अच्छे से लिखेंगे। अब इसके अगले भाग में हम देखेंगे हमारी जो कविता है बूंदे। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक नमस्ते।